गुड मॉर्निंग गाइस, आज के ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है सुबह के 10 बजे से। और आज हम पहुंचे हैं खेत में। आज हम लेने आए हैं टिम्मी के लिए घास, और साथ में लेके जाएंगे अपने खेतों से सरसों का साग और बथुआ, ये सब इकट्ठा करके फिर बनाएंगे हम साग। तो उसके लिए हमने सरसों और बथुआ एक साथ ले लेना है, और पालक हमने घर में भीजा हुआ है, वहाँ से ले लेंगे। तो पहले हम कर लेते हैं टिम्मी के घास की तैयारी, और साथ में हमें खोलनी पड़ रही है बाड़। मम्मी भी आए हैं साथ में, और आप देख सकते हो हमारे खेतों में गेहूं काफ़ी अच्छी हो चुकी है, पर डेली आवारा पशुओं का भी खतरा बना हुआ है। वो नीचे वाली साइड पे हमेशा बने रहते हैं, जिसकी वजह से हमारे 2-3 खेत ख़राब भी कर दिए उन्होंने। और आज मौसम काफ़ी अच्छा बना हुआ है। सुबह सुबह हल्की फुल्की धुंध थी, पर अभी धूप निकल चुकी है। वैसे आप देख सकते हो आसपास के व्यू किस तरह से दिख रहा है। धुंध अभी भी देखो पहाड़ी पे बनी हुई है, और गेहूं की वजह से खेत बिल्कुल हरे भरे बने हुए हैं। तो अभी हम चलते हैं टिम्मी के लिए थोड़ा सा घास लेने के लिए, क्योंकि वो खाती है सिर्फ डाली, और दूसरे वाला घास थोड़ा कम खाती है इसकी वजह से। टिम्मी के लिए घास कर लिए। आप सोच रहे होंगे टिम्मी कौन है, पर आपने हमारी वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा टिम्मी हमारी बकरी का नाम है। तो उसके लिए हमने घास कर लिया है, और अभी हम चलेंगे घर की ओर। तो उससे पहले हम साग ले लेंगे, थोड़ा सा सरसों बथुआ वगैरह। पालक तो घर से ही ले लेंगे, किचन गार्डन से अपने। तो ऐसा रहेगा आज का काम, बाकी जैसे जैसा होता रहेगा आपको दिखाते रहेंगे। और ये देखिए कड़ी पत्ता ये ले लेते हैं, इससे हम दातुन भी कर सकते हैं, और ये बालों के लिए भी काफ़ी अच्छा रहता है। और कड़ी में डालते हैं तो और भी टेस्टी कड़ी बनती है इससे। तो और ये हमारी टिम्मी भी खा लेती है, इसलिए हम अब थोड़ा सा टिम्मी के लिए भी निकाल लिया ये। और लेके चलते हैं इसको। ये रख दिया हमने इसको नीचे, थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं जब तक मम्मी आती है। मम्मी थोड़ा और घास लेने गई है टिम्मी के लिए। तो ज़्यादातर टाइम हम यहीं आसपास से घास कर लेते हैं, क्योंकि यही हमारे खेत हैं, ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता है। और ये हमारा है लोंगाट का पेड़, इस पर अभी अभी फ्लावरिंग हो गई है, लग रहा है इस बार इस पर अच्छे फल आएंगे, बहुत ही अच्छे वाले। और जब फल लगेंगे तो मैं आपको दिखाऊँगी, बहुत टेस्टी होते हो खट्टे मीठे से। और आजकल तो थोड़ा पतझड़ वाला मौसम है, तो हमारे एप्पल वगैरह के प्लांट के जो लीव्स थे वो भी गिर चुके हैं, थोड़े 2-4 बचे हैं, दोबारा से नहीं आ जाएंगे कुछ दिनों में। मम्मी बहुत पहुंच चुके हैं खेत में, और हमने यहाँ पे निकाल रही है थोड़ी सी सरसों। तो सरसों काफ़ी अच्छी हो चुकी है हमारे खेतों में, तो मैं निकाल लेती हूँ थोड़ी सी सरसों। पूरी खाई लेता मैं जो रोटी खाई लेता हूँ खाई लेता हूँ तो देखो यहाँ पे कितने बड़े बथुआ है अपने घर का। इतनी बड़ा बड़ा ना सुना तो पाला पऊ पर आ ले खेता से नहीं बड़ी होना खेता से उन्नी से चाहिए ना क्यों ना खेता से जाना सारे हैं तो
तो इस टाइम तक ओस गिरी हुई है, अभी 11 बजने वाले हैं और फिर भी देखो अभी हम खेतों में जाएंगे तो पानी से भीग जाएंगे बूंदों से, इसलिए अब हम इसको डाल लेते हैं। तो अभी हम पहुंच चुके हैं अपने दूसरे वाले खेत पे, जहाँ पे देखो हमारी मूलियाँ कितनी बड़ी बड़ी हो गई हैं, ये देखो। तो आज हम इनको निकालेंगे। तो हम थोड़ा सा साग निकाल लेते हैं यहाँ से, फिर मिलते हैं आपसे। अब इसमें हो चुका है खाना बनाने का, तो मैंने आलू चने बना लिए, ब्लैक वाले चने बनाए हुए हैं आज, और साथ में अभी बनाऊंगी रोटियाँ, क्योंकि आटा भी मैंने पहले से लगा रखा था, तो अभी थोड़ा सा टाइम बचा है खाना बनाने में, तो मैं वो बना लेती हूँ, फिर उसके बाद मिलती हूँ आपसे। तो अभी वर्षा भी आ चुकी है, हमारे लिए लड्डू लेके आई है, मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। तो हम सभी बैठ के खा लेते हैं मूंगफलियाँ, है ना। तो खाना वगैरह हमने खा लिया है दोनों ने, मैंने भी जल्दी खा लिया है। तो शाम का टाइम हो चुका है और अभी हम चलते हैं अपने किचन गार्डन में, निकालते हैं पालक। तो ये है हमारा किचन गार्डन और यहाँ से मैं निकाल रही हूँ पालक। तो ये निकाली हमने इतना सा पालक, अब हम चलते हैं घर में और इनको करते हैं वॉश। तो अभी मैं लेके आ गई हूँ ये पालक, इसको वॉश कर लेते हैं, बाकी का प्रोसीजर कल कर लेंगे इसका। तो इतना सा पालक मैंने निकाल लिया है, आधा सा मैंने गिरा भी दिया इधर उधर, तो इस पालक को मैं वॉश कर लेती हूँ, और जो सरसों सुबह लाए थे हम उसको भी थोड़ा सा वॉश कर लेती हूँ, और वॉश करके उनको थोड़ी देर के लिए रख दूँगी, फिर बाकी का काम हम कल करेंगे, कटक वगैरह भी करना पड़ेगा। जो मैंने नीचे भी गिरा दिया थोड़ा बहुत, उसको भी उठा लेते कि वॉश तो अभी करना ही है। इतना सा पालक हम ले आए थे, बाकी सरसों पालक और बथुआ ये सब हो जाए। तो अभी मैंने सरसों को सारा धुल लिया है, ये रख दिए मैंने सरसों को धुल के, और अभी इसको थोड़ी देर बाद कट करेंगे, फिर आपसे मिलेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हेलो गाइस, आज के ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है सुबह से, और अभी हम बना रहे हैं। आज हमने, जैसे आपने मेरे पिछले वाले ब्लॉग में देखा था कि हमने साग की तैयारी करी थी, तो अभी साग बन के रेडी हो चुका है, बस उसमें लगाना है तड़का, और साथ में हम बनाएंगे रोटियां। तो आज मक्की की रोटी ना बनाते हुए चपाती बनाएंगे, और जिसके लिए मैंने मसाले वगैरह सब रेडी कर दिए हैं साग के लिए। तो अभी हम लगाने जा रहे हैं इसमें तड़का, उससे पहले हम मसाला पीस लेते हैं, तो फिर उसके साथ ही हम आटा भी निकालेंगे, और जैसे जैसे हम साग को तड़का लगाएंगे आपको भी दिखाएंगे। हमारा ऑयल तैयार हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे मेथी दाना, अब इसमें डाल दिया है हमने अपना मसाला, हमने इसमें अपने सारे मसाले ऐड कर दिए हैं। अभी डाल दिया है हमने इसके अंदर साग, मिला लेंगे और कुछ देर चलाते रहेंगे। अभी मैंने रोटी बनाना भी स्टार्ट कर दिया और साग हमारे यहाँ पे बन रहा है, साथ में हम लस्सी भी निकाल ली है, तो फिर अभी थोड़ी देर में खाना स्टार्ट करेंगे। तो अभी हमारी थाली लग चुकी है और हम साथ में डाल देंगे लस्सी। तो ये हमारी थाली तैयार हो चुकी है, इसमें हमने ये लस्सी भी ऐड कर ली है। चल